Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for standard 3rd, chapter 6, more on MS Word, part 2. बच्चों आगे के पार्ट में हम पिक्चर्स को एड वर्ड में पिक्चर्स को ऐड कैसे करेंगे वो देखेंगे, हेडर फुटर की सेटिंग कैसे है वो देखेंगे, पेज नंबर कैसे डालेंगे, तो ये सब पॉइंट्स हम पार्ट टू में आज पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. बच्चों ओपन योर पेज नंबर 55. आज हम पढ़ेंगे इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक. पेज को ब्रेकअप कैसे करना है. वी कैन ऑलवेज इंसर्ट द पेज ब्रेकअप इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट न्यू पेज एट द सेम स्पेसिफिक लोकेशन इन अवर डॉक्यूमेंट. सपोज ये दोनों पैराग्राफ एक ही इसमें है. नाउ वी वॉन्ट दीज टू पैराग्राफ इन टू अदर डॉक्यूमेंट. सो यहाँ पे अगर क्लिक करके सिलेक्ट करके हमको पेज ब्रेकअप करना है तो वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे बच्चों. सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन स्टेप वन, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेकअप, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन यहाँ पे एंड क्लिक पेज ब्रेकअप. सो वर्ड डिजाइन पेज, वर्ड डिजाइन द पेज ब्रेक, पेज ब्रेक हो जाएगा. रिमूविंग जैसे इंसर्ट करेंगे वैसे रिमूव भी कर सकते हैं. क्लिक ऑन ड्राफ्ट व्यू, ड्राफ्ट व्यू में जाना है एंड फ्रॉम द स्टेटस बार डिस्प्ले द ड्राफ्ट व्यू एंड पेज ब्रेकअप लाइन अपीयर्स. पेज ब्रेकअप लाइन्स अपीयर होगी. यस नाउ रिमूव पेज ब्रेकअप डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. क्लिक ऑन द पेज ब्रेकअप एंड डिलीट फ्रॉम द कीबोर्ड तो वो पेज ब्रेकअप रिमूव हो जाएगा. नाउ हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है वर्ड में उसमें पिक्चर्स को अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे. एडिंग अ पिक्चर, वी कैन ऐड अ पिक्चर टू अवर डॉक्यूमेंट टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट को ज़्यादा एक्सप्लेन करके करना है प्रेजेंटेटिव वे से तो दैट टाइम हम पिक्चर्स को ऐड करते हैं. और उसको ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा देन क्लिक ऑन पिक्चर. इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे तो आपके इसमें पिक्चर का विंडो पॉपअप होगा, उस पर क्लिक करना है. फिर इंसर्ट पिक्चर का विंडो पॉपअप होगा उसमें जाके आप पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है तो यू गेट द पिक्चर ऑन योर डॉक्यूमेंट. अगर डिलीट करना है तो इस पे डिलीट ऑप्शन भी होता है, क्लिक ऑन डिलीट तो वो पिक्चर रिमूव हो जाएगा. सेम वे से यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट ऑल्सो. क्लिप आर्ट को अगर ऐड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, क्लिप आर्ट पे जाना पड़ेगा एंड क्लिप आर्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं दिस विंडो विल बी पॉप अप, है ना. और क्लिप आर्ट पे जाके क्लिक ऑन गो तो वो गो पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लिप आर्ट दिखेंगे. जस्ट सिलेक्ट योर पिक्चर एंड पिक्चर फॉर्मेट एंड क्लोज इट तो वो उसमें ऐड हो जाएगा क्लिप आर्ट ऑल्सो. नाउ एडिंग पेज नंबर, हमको हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा. वी कैन, हम ऐड भी कर सकते हैं, वी कैन ऐड द नंबर इन अवर डॉक्यूमेंट टू व्यू द पेज नंबर अवर स्क्रीन. अवर डॉक्यूमेंट मस्ट बी डिस्प्ले द प्रिंट लेआउट. फॉर एग्जाम्पल एडिंग द नंबर टू लॉन्गर डॉक्यूमेंट, लॉन्गर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उसमें प्रिंट में भी नंबर चाहिए रहता है. दैट्स वाई जैसे कि बुक में नीचे इसमें ऑटोमेटिकली ये नंबर्स आने चाहिए ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा ऑन द रिबन एंड पेज नंबर पे जाना पड़ेगा. क्लिक ऑन लोकेटिंग पेज नंबर, क्लिक ऑन द पेज स्टाइल, पेज नंबर स्टाइल, नंबर स्टाइल यहाँ पे पॉपअप होगी उस पर सिलेक्ट करना है एंड
क्लोज दी हेडर फुटर, तो आपका नंबरिंग फॉर्मेट भी पेज पे आ जाएगा। तो चलो बच्चों देख लेते हैं पहले। नाउ बच्चों मैंने यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है। अभी ये मेरे स्क्रीन पे सी, मेरे स्क्रीन पे 1-4 स्टैंडर्ड दिख रहा है। यस नाउ मुझे ये फोर्थ स्टैंडर्ड अगर नेक्स्ट पेज में चाहिए है तो मैं क्या करूँगी, यस पेज को सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट टैब पे जाऊँगी और यहाँ पे बच्चों मेरा ब्लैंक स्पेस ऑफ कवर पेज है, पेज ब्रेकअप है ना, पेज ब्रेकअप अगर करूँगी यहाँ पे देखो, जैसे ही पेज ब्रेकअप कर देते हैं यहाँ पे 1-3 ही स्टैंडर्ड का फॉर्मेट दिखाई देता है एंड नेक्स्ट पेज में स्टैंडर्ड 4 दिखाई दे रहा है। गॉट इट? यस। नाउ अगर ये पेज ब्रेकअप को मुझे रिमूव करना है तो मैं इसमें व्यू टैब पे जाके इसको रिमूव पेज ब्रेकअप कर सकती हूँ। यस पेज ब्रेकअप को अगर रिमूव करना है तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, ड्राफ्ट व्यू में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे जो पेज ब्रेकअप लिखा हुआ है उसको उस पर सिलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन कर देना है तो पेज ब्रेकअप रिमूव हो जाएगा। गॉट इट? नाउ आगे हमको करना पड़ेगा इंसर्ट। यस इंसर्ट पे जाके हम इलस्ट्रेट, अगर पिक्चर ऐड करना है तो हम इंसर्ट पिक्चर पे जाएंगे, सैंपल पिक्चर्स है यहाँ पे तो मैं ये सैंपल पिक्चर ले लूँगी एंड इंसर्ट दूँगी, तो ये इंसर्ट पे हो गया। और इसको डिलीट करना है तो यस राइट क्लिक करके भी आप इसको कट कर सकते हो तो वो रिमूव हो जाएगा। सेम वे से आपको अगर इंसर्ट क्लिप आर्ट करना है तो आप क्लिक आर्ट पे कर सकते हो एंड गो टैब पे जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे बच्चों इन सर्च टास्क पे आपको कोई क्लिप आर्ट दिख रही है, यस अगर मुझे ये काउ की क्लिप आर्ट चाहिए है तो मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मेरा क्लिप आर्ट एड हो गया, है ना। और इसको डिलीट करना है तो कट कर देना है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नाउ हम रिवाइज कर देते हैं पॉइंट्स को। एमएस वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वी कैन अलाइन द टेक्स्ट डिफरेंट वे, एनहांस अपीयरेंस ऑफ अवर डॉक्यूमेंट, वी कैन चेंज द case of the text in our document without retyping the text, and we can add the picture to our document to illustrate the concept document, and adding clip art images make a document more interesting and entertaining.
एंड लास्ट वन, रिमेंबर टू टेक योर शूज शू ऑफ बिफोर एंटरिंग द कंप्यूटर लैब. ये कंप्यूटर के मैनर है बच्चों. कंप्यूटर लैब में जब भी एंटर होगे तो हमारे शूज आउटसाइड, लैब के आउटसाइड रिमूव हो जाने चाहिए. दिस हेल्प टू कीप द लैब क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डस्ट. इसके वजह से लैब क्लीन रहेगी एंड फ्री फ्रॉम डस्ट रहेगी. यस, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.